भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कीर स्टारमर के साथ फोन पर बातचीत की है। उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने व लेबर पार्टी की जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की चर्चा की। पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जल्द भारत का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की सराहना करते हुए दोनों नेता लोगों के बीच को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने भविष्य में संपर्क में रहने पर सहमति जताई। हाल के आम चुनाव में जीत के साथ लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। उसने 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी 118 सीटों पर सिमट गई। वहीं लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की है। सुनक ने 23,059 वोटों के साथ उत्तरी इंग्लैंड में अपनी सीट हासिल की। 2019 के आम चुनाव में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं लेबर पार्टी को 210 सीटें हासिल हुई हैं। लेबर पार्टी की नई सरकार में एंजेला रैन को प्रधानमंत्री, रचेल रेव्स को वित्त मंत्री, डेविड लमी को विदेश मंत्री, यिवेट कपूर को गृह मंत्री, जॉन हेली को रक्षा मंत्री, ब्रिजेट फिलिम्स को शिक्षा मंत्री, एड मिलिंबैंड को ऊर्जा मंत्री, जॉनाथन रेल को व्यापार और वाणिज्य मंत्री, लुई हैग को परिवहन मंत्री और शबाना महमूद को न्याय मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।